अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड ये मेरा शबे बारात का व्लॉग पार्ट टू है। पार्ट वन मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड वो जो है वीडियो लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने वहाँ पर जो है रेसिपी इंक्लूड नहीं की। इस वीडियो में मैं आपके साथ हलवे की रेसिपी इंक्लूड करूँगी और जो चीज़ें रह गई थी वो भी इंक्लूड करूँगी। व्यूवर्स, ये मैं शो करना भूल गई थी, ये ड्रेस मेरे शबे बारात के गिफ्ट्स में आया था मियाँ का, और कलर आप देख सकते हैं कितना नाइस कलर है, सो ब्यूटीफुल। एंड ये देखें, यहाँ पर जो है नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड है और शेरवानी कॉलर के साथ था ये कुर्ता। और मियाँ ने जब ये कुर्ता वेयर किया था वो बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड पर ये ड्रेस जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था, कलर भी सूट कर रहा था बहुत ज़्यादा उन पर। और वो अब जा रहे थे इबादत करने मस्जिद, सो मैंने उनकी छुपके से वीडियो कैप्चर कर ली क्योंकि वो वीडियो मुझे बनाने नहीं देते। तो वो जो हैं बस अब मस्जिद के लिए निकल रहे थे और मैं छुपके छुपके वीडियो कैप्चर कर रही थी। एंड अब जो है मैं आपके साथ यहाँ पर जो है न्याज के लिए हम लोग हलवा बना रहे थे, तो अब मैं वो रेसिपी आपके साथ यहाँ पर जो है वो शेयर करूँगी। जी गाइस, तो हलवा बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे और जिस कप में हम चाय पीते हैं उसके हिसाब से 3 मग मैंने सूजी निकाल ली थी यहाँ पे। और सूजी जो है हमने छान के रख ली थी ताकि कुकिंग के वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो, और हम लोग बेसन भी जो है इसी तरह छान के पहले ही रख लेते हैं। उसके अलावा ये किशमिश हमें हलवे में इंक्लूड करनी थी, तो इस वजह से हमने इसको पानी में जो है वो डाल के मतलब भिगो के रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। इतने में हलवा तैयार होगा, ये नरम हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी हलवे में लाजमी इंक्लूड करना चाहिए, बल्कि बनाना ही फुल देसी घी में चाहिए क्योंकि इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और उसके अलावा खुशबू भी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चाय बनने रख दी थी और हलवे के साथ मुझे चाय भी सर्व करनी है। चाय देखें कितनी खूबसूरती के साथ उबल रही है और मुझे तो देखने में बहुत नाइस लग रही है। एंड अब मुझे जो है हमारा जो देसी घी था वो मेल्ट हो चुका था, इसलिए सूजी इसमें इंक्लूड करनी थी ताकि इसकी भुनाई हो सके। देसी घी में सूजी को इंक्लूड करके अब मैं इसकी करूँगी भुनाई, और तब तक करूँगी जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, येलोइश क्रीमी कलर से लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक मैं इसकी करती रहूँगी भुनाई। उसके अलावा आँच को जो है वो हमें दरमियाना या लो हीट पर हमें इसे बनाना होता है ताकि जो है हमारी सूजी जो है वो जले नहीं, और इसको हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक भूनना है बिना हाथ रोके। और जितना हम भूनेंगे उतना ही हमारा हलवा जो है वो टेस्टी एंड डिलीशियस बनेगा। और इसका जो खुशबू है ना वो आप देसी घी में बना रहे हैं अगर, क्योंकि मैं तो देसी घी में बना रही हूँ, तो बहुत ही उम्दा आएगी। एंड यहाँ पर हमारा चूल्हा बंद हो चुका था और हमें पता ही नहीं चला था, सो हमने थोड़ी सी आंच जो है यहाँ पे तेज़ करी है, अभी मैं लो कर दूँगी और हलवे को भूनती रहूँगी 20-25 मिनट तक। इसको इसी तरीके से भूनेंगे हम। और अब मुझे इसके अंदर ऐसा फील हो रहा था कि सूजी जो है वो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी पैकेट में, तो मुझे लग रहा था कि ये कम है क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, न्याज दिलवानी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डालूँ या ना डालूँ, तो चलो मैं सोच रही हूँ कि डाल ही लेती हूँ। सो इसके अंदर जो है मैं बाकी की भी तो सूजी जो है वो ऐड कर दूँगी ताकि वो भी इसके साथ मिल जाए और अच्छे से मैं इसको भून लूँ। जब तक ये सूजी भून रही है तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं। आज शबे बारात है, उसके लिए ही हम ये हलवा तैयार कर रहे हैं, तो हमें न्याज देनी है। उसके बाद मगरिब हो जाएगी, मगरिब से फजर तक जो है इबादत का टाइम है, और आज जो है खूब इबादत करनी है, खूब अल्लाह से दुआएं मांगनी है, खूब अल्लाह से तौबा मांगनी है कि अल्लाह जो हमसे गुनाह हो गए वो अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, और जो हमारे प्यारे और हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश की भी आज के दिन दुआ करनी है। एंड यहाँ पर जो है मैं अब जो हूँ ग्रीन इलायची जो छोटी वाली होती है उसे मैं चॉप कर रही हूँ, कूट रही हूँ ताकि मैं हलवे में इसे इंक्लूड कर सकूँ। इसे कूट कर जो है मैं एक तरफ रख दूँगी
और इतने में जब मेरी सूजी भुन जाएगी एंड पे होगा तब मैं इसे इंक्लूड करूँगी। और ज़रा मैं अपनी सूजी देख लूँ, ये जो है हल्की हल्की सी लाइट ब्राउन तो हो चुकी है लेकिन अभी वो कलर नहीं आया जो कलर मुझे चाहिए। सो तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी जब तक इसके अंदर जो है वो लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैंने पिसा हुआ नारियल ऐड कर दिया है क्योंकि हाफ से ज़्यादा तो वो भुन चुकी है, और जब इसमें नारियल अच्छे से इसमें मिल जाएगा और साथ ही साथ वो भी भुनेगा तो इसकी खुशबू में जो है ना वो चार चांद लग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको अभी इंक्लूड कर दिया है, गार्निशिंग के लिए बाद में करूँगी लेकिन अभी भी मैंने इंक्लूड किया है। और आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, नारियल और सूजी आपस में मिक्स हो चुके थे और साथ में भुन रहे थे एंड बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। लेकिन अभी जो है मुझे और इसे भूनना है और साथ ही साथ मुझे ये टेंशन भी हो रही है कि जल्द से जल्द ये भुन जाए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें फातिया के बाद, एंड उसके बाद जो है अपनी इबादत करनी होगी हमें क्योंकि मग़रिब हो जाएगी, उसके बाद हमें 6 नफिल पढ़ने होंगे। और ख़ास तौर पे अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दुआएं करिएगा, उनकी खुशियों के लिए, सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी के लिए। और यहाँ पर जो है हमें सूजी का जो कलर चाहिए था लाइट ब्राउन वो कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसको अलग बर्तन में जो है वो निकाल लूँगी और उसके बाद जो है वो शीरा बनाऊँगी और उसमें इंक्लूड करूँगी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हलवा कौन बना रहा है, तो ये हलवा मेरी सास बना रही हैं। जब कोई त्यौहार आता है या कोई नज़र न्याज के लिए हमें कुछ बनाना होता है तो वो मेरी सास ही बनाती हैं। हम मीठा बनाएं या नमकीन जो भी बनाते हैं न्याज के लिए तो वो जो है वो मेरी सास बनाती हैं और शुरू से वो ही बना रही हैं। तो बड़ों को यही होता है कि हम लोग ही बनाएं। एंड यहाँ पर जो है हमने 3 कप जो है वो सूजी ली थी और 3 कप ही हमने चीनी ली है, जिसमें हम चाय पीते हैं वो वाले कप में हमने 3 कप ही चीनी ली है। और ये अब हम उसमें शीरे में इंक्लूड करेंगे। और शीरे में ये जो हम शीरा बना रहे हैं इसके अंदर हमने 1.5 चम्मच के करीब जो है वो ऑरेंज कलर का फूड कलर ऐड कर दिया है। एंड जो ये 3 कप चीनी हमने निकाली है अब ये इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि ये पानी में मेल्ट हो जाए और अच्छा सा शीरा तैयार हो जाए। उसके बाद जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इलायची कूटी थी वो इलायची भी हम इसमें ऐड करेंगे और छिलको समेत ऐड करेंगे। एंड उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, इसलिए अभी हम शीरे में ही ऐड कर देंगे उसको इंक्लूड। एंड यहाँ पर जो हमने शीरा तैयार किया है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो देसी घी डालेंगे 1.5-2 चम्मच जितना मतलब आपको सूटेबल लगे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इस टाइम पे देसी घी इंक्लूड करने से खुशबू में 4 चांद लग जाते हैं। हमने यहाँ पर जो है 2 चम्मच देसी घी जो है वो ऐड किया है इसके अंदर, और जब ये फुल मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है सूजी को इंक्लूड कर देंगे। तो आपके सामने ही अभी ये मेल्ट होगा और इसमें जो है बॉयल बहुत तेज़ सा बॉयल आने लग जाएगा, फिर मैं इसके अंदर जो है वो सूजी इंक्लूड कर दूंगी। जी तो सूजी इंक्लूड करने के बाद हमने थोड़ा इसको हिलाया था और इसमें किशमिश जो है वो निचोड़ के हमने इसमें डाल दी थी और ऐड हो गई हैं किशमिश भी। अब बस इसके अंदर बादाम पिसते रहते हैं और आप देख सकते हैं कि बस एंडिंग पे ही है। एंड अब जो है मैं बादाम पिसते जो है इसके अंदर इंक्लूड करूँगी और थोड़े बहुत रख लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए, अंदर इंक्लूड ये मैंने कर दिए हैं। उसके अलावा अब तब तक हम इसको चूल्हे पर रखेंगे हलवे को जब तक में से जो है वो ऑयल दिखने ना लग जाए या ऑयल ना निकलने लग जाए, तब तक हम इसको रखेंगे। उसके बाद हमारा हलवा जो होगा वो रेडी हो जाएगा एंड फिर हम जो है बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फातिया दिलवा के, और हमारा जो हलवा है वो बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज खूब सारी इबादत करिएगा। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।